हेलो ऑल, आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो आप में से हर एक बच्चे से रिलेट करता है, दैट इज हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन, और वो भी जब हमारे एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बाकी हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा ताकि आप लोग एक मोटिवेशन लेकर जाएं और बहुत मेहनत के साथ इस एग्जाम को अप्रोच करें ताकि आपका जो रिजल्ट है वो एकदम पॉजिटिव आए। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि भाई हमारी मोटिवेशन लूज क्यों होती है, ठीक है, हमें क्यों ऐसा लगता है कि हमारी उतनी मोटिवेशन नहीं रही जितनी की जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। बहुत सारे कारण होते हैं हमारी मोटिवेशन के डाउन होने के, जो कि नहीं होने चाहिए एक्चुअल में। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये होता है कि हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी हमने एक्सपेक्ट करी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब 25 फरवरी को नोटिफिकेशन आई थी, आप लोगों ने एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन आप लोगों ने सोचा था कि भाई 15 मई या 20 मई तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा था, कंपोनेंट बहुत ज्यादा थे और आपका उतना लेवल ऑफ प्रिपरेशन नहीं हो पाया जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर हमें डाउट आना शुरू हो जाता है, हमें मोटिवेशन में लैक देखने को मिलता है कि यार हम अब शायद इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। बट दोस्तों, मुझे लगता है कि वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन पर्टिकुलर 3 मंथ में या 2 महीनों में आपने कुछ तो बहुत अच्छा कवर किया होगा और अभी भी बहुत टाइम बाकी है जहां पर आप और पोर्शन भी कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने 25 फरवरी या फिर 1 मार्च या फिर 15 मार्च को भी तैयारी शुरू करी होगी तो भी उसका 60% से 70% सिलेबस कवर हो गया होगा और जो 30% सिलेबस बाकी है वो मई में कंप्लीट कर सकता है, तब भी उसके पास जून का पूरा महीना रहेगा रिवीजन के लिए। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वैसे तो प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन उतनी कंप्लीट नहीं हुई जितनी आपने प्लान करी थी, तो भी दोस्तों आपके पास अभी टाइम है, उस टाइम को बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज करिए, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दीजिए अपने पर डे के, ताकि आप अपना टारगेट मिनिमम टाइम में जो है पूरा कर पाए और उसके बाद अपने एग्जाम की रिविजन बहुत अच्छे से कर पाए। तो नॉट सो गुड प्रिपरेशन अगर किसी बच्चे का मोटिवेशन का कारण, डीमोटिवेशन का कारण है, तो इसको दूर करने के लिए अपना टाइम टेबल थोड़ा और हार्श कर लीजिए, अपने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ा लीजिए, अपनी पढ़ाई की इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए और मल्टीपल तरीके यूज करिए सिलेबस के टॉपिक्स को कवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको क्विज के थ्रू कवर कर लीजिए, जो आपको लगता है कि टॉपिक थोड़ा बहुत आता है लेकिन एक बस रीडिंग चाहिए तो नोट्स के थ्रू केवल उसको कवर कर लीजिए, लेकिन जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं आता, पहली बार कोई कंपोनेंट पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप वीडियोस पक्का देख लीजिए। तो डिफरेंट तरीके हैं चीजों को कवर करने के, आप उनको यूटिलाइज करिए। एक और बात कि भाई मैंने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत पुअर आया और अब मुझे लग रहा है कि यार तेरे तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगी और मॉक टेस्ट के नंबर ने मुझे हिला दिया है, डिमोटिवेट कर दिया है, अब मैं और मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ सिलेबस प्रिपेयर करूंगा। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट में पुअर नंबर आना ये साइन नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ या फिर आपकी इंटेंसिटी डाउन हो जाए या फिर अब आप सिलेबस पे फोकस करो। भाई एक बहुत अच्छा साइन है ये, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आप लोगों के लिए अगर आपके मॉक टेस्ट में अभी नंबर कम आ गए, ये इंडिकेशन है कि भाई कमी बाकी है और उसको पूरा कर ले। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी सौगात है कि अब आपको पता लगे कि भाई मुझे कितनी और मेहनत करनी है, मेरा वीक एरिया क्या है, कहां पर मैं लैग कर रहा हूं, ताकि आप उसको अच्छे से अब पूरा कर पाए। दोस्तों, अगर नंबर अच्छे आ जाते ना तो आप हवा में उड़ जाते और फिर शायद वो चीजें जो आपकी वीक थी उनको आप ना आइडेंटिफाई कर पाते और ना ही उन पर काम कर पाते। तो एक बहुत अच्छा साइन था कि आप लोगों ने बहुत टाइम रहते अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिया थ्रू मॉक टेस्ट और अब और मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको अपनी और वीकनेस पता लगे। अब देखिए, यहाँ पर एक टारगेट लेके चलिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 मई को पहला मॉक टेस्ट दिया, आपके नंबर 115 ही आए 300 में से, जो कि बहुत कम है, लेकिन 115 नंबर आने के बाद आपने टेस्ट को एनालाइज किया, आपने देखा कि भाई मैंने 15 सिली मिस्टेक कर दी, ठीक है, मैंने 20 कंसेप्चुअल एरर कर दिया कि ये टॉप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था लेकिन मैंने कंसेप्ट गलत लगा दिया और उसका आंसर रॉन्ग मार्क कर दिया या फिर मैंने कुछ और मिस्टेक कर दी। तो आपने अगली बार के लिए टारगेट सेट कर लेना है कि अगली बार मेरी सिली मिस्टेक्स जो है वो less than 5 होनी चाहिए, जो मेरे कंसेप्चुअल एरर है वो less than 10 होने चाहिए, ताकि आपका ये 15 क्वेश्चन का जो स्कोर है वो बढ़े। तो 15 क्वेश्चन मतलब कितना स्कोर आपका, लगभग 37.5। तो धीरे धीरे आप इंप्रूव करेंगे। तो हर मॉक टेस्ट में एक टारगेट लेके जाइए और देखिए कि आपने उस टारगेट को कितना फुलफिल किया है। डिमोटिवेट नहीं होना मॉक टेस्ट से, मॉक टेस्ट से लर्निंग लेनी है ताकि वो लर्निंग हमारी आगे पेपर के काम आए। दोस्तों, जितनी भी मिस्टेक करनी है, जितनी भी गलतियां करनी है, वो मॉक टेस्ट में कर लो और पेपर में इतने नीचे होके जाओ कि भाई अब और गलतियों का स्कोप बाकी नहीं है, अब यहाँ पर हम कोई भी और गलती नहीं करने वाले, ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। तीसरा एक इंपॉर्टेंट एरिया कि भाई आप लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, ठीक है, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब आपके माइंड में एकदम क्लियर था कि यार यूपीएससी एपीएससी एग्जाम या फिर ईओएओ एग्जाम क्रैक करना है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 5 साल में एक बार आया है मौका और ये एग्जाम तो निकालना ही निकालना है, आपकी उस टाइम पर ये इंटेंसिटी थी। आप लोगों ने घर वालों को बोला कि भाई मुझे 4 महीने में बहुत मेहनत करनी है, मुझे बिल्कुल छेड़ना मत, ये एग्जाम मेरे लिए निकालना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जब एग्जाम पास आ रहा है तो आप लोग और ऑप्शन ढूंढने शुरू कर रहे हो कि यार एपीएससी शायद ना हो पाए, मुझे आरबीआई ग्रेड बी के लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर मुझे आगे के किसी एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, वो प्रायोरिटीज आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक बार अपने लिए कोई टारगेट सेट कर लिया है और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो तो वो टारगेट हमेशा आपकी प्राइम इंपॉर्टेंस पे होना चाहिए।
वो आपका सेकेंडरी या थर्ड पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो सेकेंडरी और थर्ड पे आएगा आपकी जो इंटेंसिटी है उस पर्टिकुलर एग्जाम के टुवर्ड्स वो डाइल्यूट हो जाएगी, और वो डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए आपके लिए। 2 जुलाई इज द अल्टीमेट डेट। 2 जुलाई तक जितने भी एफर्ट करने हैं वो आप टॉप प्रायोरिटी के साथ करिए, ताकि इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो आपको पिछले 5 से 3 सालों के बाद मौका मिल रहा है एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का, उसमें बहुत वंडरफुल रिजल्ट लेकर आए। तो अपनी प्रायोरिटीज चेंज मत करिए, अगर आपकी प्रायोरिटीज चेंज होगी तो फिर तो मोटिवेशन आनी वैसे भी पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट रीजन, नॉट फॉलोइंग गुड स्टडी प्लान। कि यार एक बार डिमोटिवेशन इसलिए भी आती है कि यार अच्छा पढ़ा था लेकिन अब जो मैं चीज फॉलो कर रहा हूँ वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो मुझे डिमोटिवेशन फील हो रही है। देखिए जब हम एक अच्छा स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं तो इसके में आउटकम दिख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने आज एक टॉपिक पढ़ा पॉलिटी का 3 घंटे का, और 3 घंटे के पॉलिटी के टॉपिक पढ़ने का आपने जब क्विज अटेम्प्ट किया तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ गए, तो सब ऑटोमेटिकली मोटिवेट फील करेंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर मान लो आपने वो टॉपिक ढंग से नहीं पढ़ा था तो उसके रिजल्ट क्या रहेंगे कि आपके क्विज में भी नंबर कम आए, और जब आपके क्विज में भी नंबर कम आएंगे तो आपके फिर डिमोटिवेशन आएगी आएगी। तो अगर आपका स्टडी प्लान पुअर है और आपकी कंसंट्रेशन पढ़ते टाइम पुअर है तो आप लोगों को पक्का एक रिजल्ट में लो जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा, जो आपको अल्टीमेटली डिमोटिवेट करेगा। तो अगर आपके 1-2 बार नंबर ऐसे कम आ रहे हैं तो आपने देखना कि भाई मेरे स्टडी प्लान में मेरे शेड्यूल में क्या गलती है, मैं क्या मॉडिफिकेशन करूं। तो यहां पर इस पर्टिकुलर चीज को नजरअंदाज मत करिए, बढ़ते मत जाइए किसी नेगेटिव चीज के साथ, उसको कंट्रोल करिए, एक चेक लगा दीजिए, एक डैम लगा दीजिए कि यार यहाँ पर मुझे अपनी जो पास्ट परफॉर्मेंस है, फिर मेरी जो डेली परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना है, मुझे अपने डेली शेड्यूल को एनालाइज करना है, क्या वो शेड्यूल मुझे हेल्प कर रहा है या फिर मुझे वापस रिग्रेस कर रहा है। तो ये चीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चारों चीजें आप लोग फॉलो करते रहेंगे तो आप मोटिवेशन हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मोटिवेटेड रहना कैसे है। दोस्तों पहली बात तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आप लोगों को मेरे जैसे किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मोटिवेट रहने के लिए। अगर आप लोग ये जानते हैं कि आप इस एग्जाम के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि भाई why I am preparing for this examination, तो आपकी जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक होती है, अंदर से आनी चाहिए, पॉजिटिव मोटिवेशन आनी चाहिए कि क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद। भाई आप ऑफिसर बन जाओगे, आप कमिश्नर बन जाओगे, इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी आपके लिए। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं तो शायद आप एक ब्लंडर कर रहे हैं। आप तो इंटरनली मोटिवेट होनी चाहिए, अंदर की आग होनी चाहिए यार कि यार करना ही एग्जाम क्रैक, मुझे कोई और मोटिवेट करे ना करे मैं खुद मोटिवेटेड हूँ, मुझे अपने ऊपर एक ऑफिसर का तमगा चाहिए, मुझे कमिश्नर टैग चाहिए, यही मेरी पर्सनैलिटी को मेरी आइडेंटिटी को इम्प्रूव करेगा। दोस्तों ये आपकी अगर एक मन में चाह है, अगर आपने इसको एक आग बना लिया है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले। फिर आप डेली उसी इंटेंसिटी से तैयारी करोगे तो आपने पहले कर रखी है। तो यहाँ पर अपना वॉय हमेशा याद रखिए, अपने टेबल के सामने लिखा होना चाहिए कि भाई मुझे अपने नाम के आगे कमिश्नर वर्ड जोड़ना है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर वर्ड जोड़ना है। अगर वो जोड़ना है तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत करनी है तो अगेन मोटिवेशन लेकर आनी पड़ेगी, तभी आप बहुत अच्छा काम करोगे। एक और बात कि मोटिवेशन ढूंढने की बजाय मैं एक और बात कहता हूँ काफी बच्चों को, मोटिवेशन मत ढूंढो, आप कंसिस्टेंसी इंश्योर करो, डिसिप्लिन इंश्योर करो कि भाई सुबह उठ के पढ़ना ही पढ़ना है। अगर मान लो कोई बच्चा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, 4 से 6 पढ़ रहा है, 6 से 8 पढ़ रहा है, फिर ऐसे आगे अगली शिफ्ट लगा रहा है, तो वही डिसिप्लिन अगर वो 3-4 महीने फॉलो कर ले तो उसको रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे आएंगे। दोस्तों जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का प्रोडक्ट है। अगर आप ये चीजें नहीं करोगे फॉलो तो आपको अगेन प्रोडक्ट अच्छा रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगेन कोशिश करिए कि आप कंसिस्टेंट रहें। मैं एक बात बच्चों को कहता हूँ कि अगर आप 21 दिन लगातार मेहनत कर लेना तो आपको फील होता है कि भाई मैंने कुछ अच्छा कवर कर लिया, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो कि भाई 3 दिन पढ़ाई करी, 14 दिन फिर कहीं घूमने चले गए, फिर 5-6 दिन पढ़ाई करी, फिर एक ब्रेक ले लिया, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कभी भी एक अच्छी फीलिंग आएगी नहीं और आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे। तो हमेशा कोशिश करो कि भाई कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन रहें, अपने टारगेट्स जो डेली के हमने सेट किए वो फॉलो करें, ताकि हम हमेशा मोटिवेटेड रहें। और दोस्तों इसी से रिलेट करता है हमारा चौथा पॉइंट कि अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को भी चेरिश करो। फॉर एग्जाम्पल आज आपने किसी ने सोचा था कि भाई मैं अकाउंटेंसी की पहली 2 वीडियो जो है अच्छे से देखूंगा और क्विज दूंगा और क्विज में अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, 80% टारगेट मैंने रखा। आपने वो क्विज टॉपिक पढ़े अच्छे से, वीडियो देखी अच्छे से, नोट्स बना लिए अपने छोटे से, और फिर आपने क्विज दिया, आपके नंबर भी 85% आ गए। दोस्तों ये एक अचीवमेंट है, अगर आप छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे तभी आप मोटिवेट रहोगे। तो अगेन ये मत सोचना कि यार चल 85% आ गए तो बहुत कुछ बाकी है, ये छोटी सी सक्सेस क्या है, ये छोटी छोटी सक्सेस बन के ही बड़ी सक्सेस बनती है, तो इनको भी एक तरीके से चेरिश करना शुरू करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आपको जो है रिफ्रेश करते रहिए, शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पर आप लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन आएगी, टाइम हैवी है। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहेंगे, अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को बहुत अच्छी इंटेंसिटी में रखेंगे।
तो अगर आप ये ब्रेक ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो बुक्स के साथ ही ब्रेक हो रही है, मोबाइल के साथ ब्रेक हो रही है, नहीं, आप ब्रेक अगर ले रहे हैं तो मोबाइल यूज नहीं करना आपने। ब्रेक कुछ हॉबी टाइप की होती है, आप गिटार पे गाना बजाना शुरू कर दीजिए, अच्छी वॉक लेकर आइए या फिर कुछ कुकिंग कर लीजिए, ये ब्रेक जो आपको कंप्लीटली अलग कर दे फ्रॉम दी प्रिपरेशन फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल 15 मिनट की ब्रेक ली कि आज मैं बहुत अच्छा पास्ता बनाऊंगी, तो अगर वो पास्ता बना रहे हैं तो 15 मिनट आपकी पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट गया, जब दोबारा पढ़ाई में आए फ्रेश आएंगे पढ़ाई में। तो इस तरीके की एक ब्रेक लीजिए, लेकिन लीजिए पक्का, क्योंकि यहाँ पर आपकी जितनी फ्रेशनेस रहेगी, जितनी हाई इंटेंसिटी रहेगी, उतना अच्छा आप लोग रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आप लोगों के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि मोटिवेशन को अपने अंदर ढूंढिए, कोशिश करिए कि भाई अंदर से ही एक आग रहे हमारी तैयारी के लिए, ताकि हम किसी और पर डिपेंडेंट ना रहें। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।